नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का आज के बहुत ही प्रमुख कथा में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो दिन चल रहे हैं ये पितृपक्ष के चल रहे हैं और पितृपक्ष के दिन में समय में क्या होता है हमें ये पता नहीं होता कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कई लोगों ने प्रश्न पूछे तो उन प्रश्नों के लिए हमने आज ये कथा व्यवस्थित की है। देखिए कथाएं बहुत सी हुई हैं इस विषय पर। अगर आप जो है थोड़ा सा पुरानी कथाओं में जाएंगे तो मैं जो है पुनीति माता जी या शिल्पी माता जी से बोलूंगा कि कृपया आप जो है उन वीडियोस को डाल दें फेसबुक या यूट्यूब के वीडियोस को आप इसमें डाल दें कमेंट में जिसमें हमने गरुड़ पुराण की कथाएं करी हैं। उन गरुड़ पुराण की कथाओं में आपको पूरा पूरा ये ज्ञान मिलेगा कि भगवान की जब व्यक्ति के शरीर से भगवान आत्मा निकालते हैं तो आत्मा एक्चुअली कहाँ कहाँ जाती है कैसे जाती है और कौन किस व्यक्ति को कौन सी जगह मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे भगवान के जो भक्त हैं वो कहाँ जाते हैं जो भक्त नहीं है जो अभक्त हैं वो कहाँ जाते हैं और जो जो है कभी पहले भक्ति करे हैं लेकिन बाद में भक्ति से पद से नीचे गिर गए तो वो कहाँ जाते हैं और ये सब की चर्चा पूरी पूरी चर्चाएं उन कथाओं में की गई हैं गरुड़ पुराण की कथाओं में। तो कृपया आप उन कथाओं को सुने तो आपको बड़ा आनंद आएगा और उसके बाद लेकिन और आनंद के साथ साथ क्या ज्ञान प्राप्त होगा कि हमें अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब सेकेंड पॉइंट आता है कि ये चल रहा है पितृपक्ष हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे कोई भी संबंधी जो कुछ समय पहले या एक साल पहले या किसी भी समय पहले किसी तिथि में उनका स्वर्गवास हुआ उन्होंने शरीर को त्यागा तो अपने कर्मों के अनुसार वो कहीं ना कहीं चले गए होंगे। तो कर्मों के अनुसार वो कहाँ कहाँ चले गए होंगे और उनके साथ जो है क्या क्या हो रहा होगा ये तो एक विषय हो गया। लेकिन दूसरा विषय क्या हो गया दूसरा विषय ये है
कि हमारा उनके प्रति क्या दायित्व बनता है, क्या दायित्व बनता है। हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, तो जन्म के साथ ही धीरे धीरे जब बढ़ते जाते हैं तो हमारे कुछ ऐसे ऋण हैं, कर्ज हैं, जो हमारे चढ़ जाते हैं। जैसे जैसे कि देव ऋण, भूत ऋण। तो देखिए, देव ऋण क्या होता है, जैसे देवताओं का ऋण, देवताओं का ऋण होते हैं। जैसे आपको डेली हवा मिल रही ना, समय से पानी मिल रहा है ना। अभी जब हवा नहीं मिली थी तब क्या हुआ था, जब ऑक्सीजन की अचानक कमी होने लगी थी, मतलब 1-1 लाख रुपए के सिलेंडर मिल रहे थे, है ना। हवा कितनी कीमती है तब पता चला, जिसको हमने पूरे जीवन भोगते चले गए। हमें उस वक्त हवा का पता चला जब हवा हमारे पास थी ही नहीं, बची नहीं हमारे पास। उस समय ऑक्सीजन और ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर बिक रहे 1-1 लाख 2-2 लाख। कोरोना ने ऐसा ऑक्सीजन के बारे में बताया, भगवान ने ये कीमत बताई, देखो ये है वो ऑक्सीजन जो मैं तुमको फ्री में बचपन से, जब से तुम पैदा हुए तब से दे रहा हूं। और आज तुम जो है उस ऑक्सीजन जो फ्री मिला उसके उस ऋण को नहीं देख रहे हो। लेकिन अगर किसी ने तुमको एक सिलेंडर उस वक्त लाके दे दिया और उस वक्त 1 लाख का भी दे दिया, तो आपने 1 लाख का वो सिलेंडर खरीद लिया। वो है देव ऋण। डेली धूप मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रहा है, सारे देवताओं देवता लगे हुए हैं, उनके ऋण को चुकाते कैसे हैं? हम कभी नहीं चुकाते। क्या करते हैं हम चुकाने के लिए? सब कुछ हम कहते हैं ऑटोमेटिक हो रहा है। भूत ऋण हमारे जो है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये जो हमें हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं, उन प्रयासों, यानी जैसे पेड़ है, पेड़ हमें फल देता है, हमने पेड़ को फल दिया और हमने पेड़ को काट दिया, पेड़ ने हमको फल दिया और हमने पेड़ को काट दिया, क्या बढ़िया ऋण चुकाया है ना। यानी फल देने के वाले वाले को हम काट देते हैं, ये है आज का युग। और उसकी जगह, यानी कि उसी जगह दूसरा फल पेड़ लगा भी दे नहीं, बस काट देंगे, हमें चाहिए तो हमने काट दिया। तो जो है जब तक गौ माता हमको दूध दे रही है, हमने उनको जो है भोगा, और जिस दिन दूध देना बंद कर दिया उसने उनको काट दिया, है ना। तो हमारे साथ यही है, हमारे जब तक हमारे कोई, तो उनका ऋण कैसे चुकाए? गौ माता का क्या ऋण चुका रहे हैं आप? डेली घर में दूध पीते कि नहीं पीते बताइए? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके घर में दूध नहीं आता डेली? डेली घर में दूध आता होगा ना, नियमित आ रहा होगा। अगर नियमित दूध आ रहा है तो कौन है, तो आपने चुकाने के लिए क्या किया? अरे प्रभु जी, हम दूध के लिए 1 लीटर का पैसा दे देते हैं ना। अच्छा, आप 1 लीटर का पैसा दे देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जिस गाय का दूध एक्चुअली में आपको मिलना चाहिए, वो गाय कहाँ है? अगर हमने उसकी रक्षा नहीं करी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सब भूत ऋण है, यानी कि भूत ऋण बोलते हैं, जो हमें पेड़ पौधे, गाय जंतु, ये हमें देते हैं। तो आप्त ऋण क्या होता है? जो सोसाइटी से मिल जाता है, आसपास के लोग अचानक आके सपोर्ट कर देते हैं। बीमार हो गए आप, घर में अचानक कोई आया और आपको जो है हॉस्पिटल लेके चला गया, ये आप्त ऋण आपने वो चढ़ जाता है। और फिर आता है पितृ ऋण भी होता है, बहुत बड़ा ऋण होता है पितृ ऋण, जो चुकाए नहीं चुकता। तो कई लोग जो है अभी इसमें क्या क्या बातें बोलते हैं वो बताऊंगा, बड़ा आपको मजा आएगा सुनकर के, कि आखिर पितृ ऋण के बारे में लोग क्या क्या बोला करते हैं। और फिर कहते हैं ऋषि ऋण। तो मेन तीन ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, मतलब गुरु ऋण। हम गुरु के ऋण कैसे चुका सकते हैं, पितृ ऋण कैसे चुका सकते हैं, देव ऋण कैसे चुका सकते हैं, ये हमें सब पता होना चाहिए। लेकिन आज की जो कथा है वो बेसिक किसके लिए है? पितृ ऋण के लिए है। हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत कठिन समय होता है जब जो है हम इस विषय को जो है हमने एक साल पहले, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले उसको झेला होता है, महसूस किया होता है। तो जो है कहते हैं, कई लोग कहते हैं क्या शुद्ध भक्त जो है को जो है हमें को मतलब जो भक्त होता है क्या उसको ये सब श्राद्ध वगैरह करना पड़ते हैं? जो भगवान के भक्त हैं क्या उनको भी श्राद्ध करने पड़ते हैं? अरे भगवान के भक्तों को श्राद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी कि हम भक्त हैं कि नहीं है। हम भक्त हैं क्या? हमने क्या सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति में लग गए हैं क्या? अगर हम सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति में लग गए हैं, इसका मतलब हम भक्त हैं। इसका मतलब तब हमें श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए श्राद्ध कौन कर देता है? भगवान स्वयं करते हैं, श्राद्ध जरूर करते हैं। नरसिंह मेहता की स्टोरी आती, कथा आती है, बहुत उत्तम कथा है नरसिंह मेहता की। एक बार क्या हुआ, नरसिंह मेहता जी घर में थे, दूसरे दिन पिताजी का श्राद्ध था, बड़े भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तो तुम कुछ करते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो,
और कल के दिन पिता का श्राद्ध दिन भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे करते रहते हो, भजन करते रहते हो, कीर्तन करते रहते हो, कोई दूसरा काम है कि नहीं तुम्हारे पास? नरसिंह मेहता ऐसे सुन रहे हैं, अपना छोटे भाई हैं, लेकिन अंदर वो चिल्ला रहे हैं और अंदर लेकिन उनकी पत्नी सुन रही है नरसिंह मेहता की। अब पत्नी अंदर सुन रही है कि जो है पति को बाहर डांट पड़ रही है, पत्नी से रहा नहीं जाता है। कभी भी अगर परिवार में सास अगर माँ अपने बेटे को डांट रही हो तो बहू को बड़ी तकलीफ हो जाती है, यानी बेटे की पत्नी को। माँ की इतनी हिम्मत कैसे, कह रहे उस माँ ने जन्म दिया है, बोल सकती है, वो आप चुप रहो ना। वो बचपन से जानती है, 10-15-20 साल से जानते हो बस, है ना। लेकिन पत्नी अभी 1 साल पहले शादी करके आई और बड़ा भाई आकर के कुछ डांट के चला गया छोटे भाई को, तो पत्नी को इतना दुख हो जाता है और फिर कहती है आज से उनके घर नहीं जाएंगे हम। अरे अभी आप 1 साल पहले आए हो, क्यों ऐसा बोलना? तो जो है वो जब बोले तो भी पत्नी बाहर आई, कहती ठीक है अगर आप इतना मत डांटिए मेरे पति को, आपको लगता है हम श्राद्ध नहीं कर सकते, आज से हम इस बार हम श्राद्ध अलग अलग करेंगे, जाइए आप अपने घर में करेंगे, हम अपने घर में करेंगे। इन्होंने तो बोल दिया ना इनके घर में पैसे, ये तो जिनमें भगवान की भक्ति भजन कीर्तन करते रहते हैं, अब भजन कीर्तन के चक्कर में बैठे रहते हैं। अब जो है जब भैया चले गए तो कहते हैं देवी तुमने ऐसा क्यों किया, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनको तुमने क्यों जो है ऐसे बोल दिया, अब बताओ हम लोग करना भी हमारे पास क्या है? तो देखिए ये है हमारा सनातन धर्म, जिसने पहले लोग श्राद्ध को कितनी श्रद्धा से करते थे, जो चीज श्रद्धा से की जाए भगवान अपने पितरों के लिए उसी को तो श्राद्ध बोलते हैं, हमने बस बवाल टारने के लिए करते हैं। अरे छोड़ो खत्म करो, क्या करना है, अरे वो मर के चले गए, अपना जुगाड़ खुद कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे, और हमें उनके लिए क्यों परेशान होना है, हम लगातार यही सोचते रहते हैं। अरे उनके लिए ही तो करना है, क्यों करना है पता चलेगा। नरसिंह मेहता की पत्नी कहती है, जिनका नाम माणिक है, कहती है कि अरे मेरे पास एक नथुनी है, पिता का साथ जरूरी है, और मेरे पास ये जो नथुनी मुझे मायके से मिली थी, इस नथुनी को जो है आप इसको बेचाओ और इससे जो पैसे मिले उससे पिता का साथ करेंगे। तो पहले लोग अपनी नथुनी अपने गहने अपने जेवर बेच करके साथ किया करते थे, और आज लोग बैठ के घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उनको पता नहीं है श्राद्ध का समय चल रहा है, पूर्वज लोग आते हैं इस समय, अभी पूरा पता चलने वाला आपको। तो कहते ठीक है नथनी लेके गए, ज्वेलरी शॉप में जाके बेचा, जो पैसे मिले से सामान तो आ गया लेकिन घी नहीं आया। अब वो 2 किलो घी चाहिए था उनको, सोचा एक दो ब्राह्मण बुला के खिला देंगे। अब 2 किलो घी के लिए वो भटक रहे हैं, एक के पास गए, भैया थोड़ा घी दोगे क्या, 2 किलो घी दे दो। उसने दिया, कहते घी हाथ में आ गया, कहते देखो जो है हमें पिताजी का श्राद्ध करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मैं 15-20 दिन बाद तुमको घी के पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। कहता ठीक है आप ले जाओ, लेकिन कल रात को घी में छिपकली गिर गई थी। ये बनिया हिसाब किताब है ना। कहते इसको जो है, तो कहते नहीं नहीं मैं ऐसा चीज तो नहीं ले जा सकता जिसमें छिपकली गिर गई थी, आप इसको जो है पकड़ लो, मैं जो इसको नहीं प्राप्त करना चाहता। और फिर भटकते रहे, किसी ने उधार नहीं दिया, एक कोने में जाकर के मिला एक दुकान, जहां पे कहते भैया देखो मेरे पास पैसे नहीं है। वो जानते थे इनको, नरसिंह मेहता को कितने बड़े भक्त हैं, तो भक्त की बात भक्त जान लेता है। अब नरसिंह मेहता कहते आप ले जाओ घी, कोई बात नहीं, आप मुझे कल देना, परसों देना, 10 दिन बाद देना, 1 साल बाद देना, कोई बात नहीं नरसिंह जी, बस एक काम करो एक भजन सुना दो। अब वो भजन सुनाने के लिए नरसिंह जी बैठे हैं, जेब में करताल तो हमेशा ही उनके रहता है, और वो तो वैष्णव तो मौका ढूंढता है कोई खता करने को बोल दे, कोई भजन करने के बोल दे, और इधर ये भजन करने बैठ गए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, और कथा चलती जा रही। और इधर ये 12 बजे पहुंचे थे, 1 बज गया, 2 बज गया, 4 बज गया, जब शाम को 4-5 बज गया तो भगवान कहते अरे रुक्मणी सुनो, अरे लक्ष्मी सुनो, अरे सब लोग सुनो सुनो, अरे क्या हुआ ये नरसी, देखो ये भगवान की भक्ति में पूरे नहीं, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, और ये व्यक्ति वो है जिसको जो है बिल्कुल ध्यान भूल गया इसके पिता का साथ है, अगर ये भजन कीर्तन करता रहा ऐसे तो आज घर जाकर के ये बिल्कुल लोगों के अंदर ये होगा अरे भगवान की वजह से ऐसा हुआ, और मेरी वजह से मेरे भक्त को कोई कुछ बोल रही है, मैंने कहा अर्जुन से कि घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। और लगातार वो जो है भगवान के लिए, भगवान उनके लिए सोचने लगे, और सब के सब भाग करके दीजिए उसी स्पीड से भाग करके आए, जैसे कहते हैं ना मन की गति से उससे भी तेज भाग करके आए, और आके कहते हैं सब लोग अपना रूप बदलो, भगवान बन गए नरसिंह मेहता जी।
और जो है लक्ष्मी जी बन गई वो पकाने वाली, रुक्मणी बन गई पकाने वाली, और जा रही है गई पकाने के लिए, और जो है अब जो है गए वहां पर। तो अब जैसे ही भगवान घुसे, पत्नी रूप स्टार्ट, भेजा था तुमको आधे घंटे के लिए, तुम 5 बजे तक आए, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या तुम ऐसा करते रहते हो, तुमको पता है कि पिताजी का श्राद्ध कर, तुम्हें इतनी व्यवस्था करने का समय नहीं आ रहा, अभी ब्राह्मणों को तुमने इनवाइट नहीं किया, तुम संभाल लिया। भगवान कहते इतना तो मैंने कहीं नहीं सुना, भगवान कहते अरे इतना सुनाया जाता है क्या यहाँ पर, अच्छा है मैं गोलोक में वहां केवल जो है हजारों हजारों लक्ष्मियां मेरी केवल सेवा करती रहती है। भगवान ऐसे ही जो है विचार करने लगे, कहे भैया अभी सुन के निकल लो, धरती में आए बोलना नहीं है, अपना सुन करके जाए गए कि व्यवस्था देखने लगे लक्ष्मी, और जो है तो कहती है जाओ सबसे पहले जाके ब्राह्मण को इनवाइट करके आओ, अभी तक एक भी ब्राह्मण को तुमने आमंत्रण नहीं लिया, जाता हूँ देवी जाता हूँ रुक जाओ, भगवान हाथ जोड़ कर कहते जाता हूँ देवी रुक जाओ। भगवान भी सोचे कि अरे हमने कहाँ से पत्नियां बनाई है। लेकिन फिर भगवान जो है जाते हैं और जो एक ब्राह्मण को इनवाइट करते हैं कि भैया तुम वहां खाने आ जाना। ब्राह्मण मन में सोचता है अच्छा एक तो कंगाल आदमी पर से खाने के लिए बुलाता है, मैं उसने 751 ब्राह्मणों को बोल दिया अरे भैया भोज है वहां पर चलना है खाने के लिए। अब जब सब जब ब्राह्मण जो है भोज में कहे अच्छा अच्छा चलेंगे, अब एकदम से छौंका लगना शुरू हुआ। अब ये जब छौंका लग रहा है तो छौंका लगते लगते जो उसकी बढ़िया पनीर बटर मसाला और पनीर टिक्का, ये पनीर वो पनीर, ये दाल मखनी वो दाल फ्राई ये दाल, अरे बाबा रे बाबा, जब इसकी सुगंध फैली अरे पूरे पूरे एरिया में फैल गई, और उस जगह पूरी जगह जब फैल गई जूनागढ़ में, तो जो है सब के सब ब्राह्मण कहते सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है, जाके एक बार पता कर गया मेनू क्या आइटम है। अच्छा वो मेनू पता करने गए तो देखा क्या कि मतलब मेनू आइटम क्या भरा पड़ा था। अरे जब लड़का गया देखेंगे, भाग के वापस आया अरे ब्राह्मण जी वहां तो बहुत कुछ मिल रहा है, बढ़िया पकवान बने, उसके भाई क्या मत जाओ उनके यहाँ चले जाओ, बहुत कुछ खाने को मिलेगा। सारे ब्राह्मण लाइन लगा के आए, भगवान कहते हैं अरे देवी सुनो एक काम करो, सबके लिए जो है जो हमने अंदर रखा हुआ है ना उठा करके जो सोने का पाटाव लेके आओ सबको खाने के लिए, चौकी सोने की चौकी ले आओ। अब वो देवी जी कहती है खाना तो हमने नथनी बेच के मंगाया, खाना तो हमने जो प्रसाद है तो नथनी बेच के मंगाया, और कह रहे अंदर जाके सोने की चौकी लेके आ जा। वो परेशान करते लेके अभी ब्राह्मण आ गए, अभी नहीं लड़ती हूँ, अभी मैं जाकर के इनका व्यवस्था कर देती हूँ। कथा बहुत अच्छी है, थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ आपको समझ में आए, उसके बाद हम लोग उसमें भी आएंगे। तो वो जब लेके आती है सोने के, जब गई तो दिखा रहे सच में सोने की चौकियां रखी है, कहां से आ गए। अब वो सोने की चौकी उठा के सब ब्राह्मण सामने, ब्राह्मण भी दंग रह गए। फिर कहते अब खाना थाली लगाने की बारी, कहते देवी वो जो किचन में जो ऊपर सोने की थालियां रखी ना वो जरा जो है इनको सबको लगा दो ब्राह्मणों को। अब किचन में सोने की थाली, अरे बाबा ये तो जो है बिल्कुल ही मतलब गजब केस हो गया, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया इनको कि सोने की थाली कहां से आ गई किचन में। अब वो जो है देवी जी बिल्कुल कंफ्यूज, लेकिन तब भी क्या कर रही हो, वो सोची चलो मैं निपटूंगी इससे बाद में निपटूंगी, जरा अभी समझ लूं कि क्या चल रहा है इनके दिल में, जो कहां कहां से इनकी व्यवस्था हुई है वो जरा मैं देख ही लेती हूँ। अब वो जो है देवी जी गई अंदर, देखा थाली सोने की थालियां रखी है, वो लेकर के आती हैं और लेकर के आई और सबको लगा, तो ब्राह्मण भी दंग, अरे ये सोने की थाली कहाँ से आ गई, इतना सोने की थाली आ रही, अरे अब तो जो है पूरा अब सोने की थाली आया और पूरा उनको बढ़िया सा जो है भोग लगना शुरू। जब परोसना शुरू किया तो जो है ऐसा बढ़िया परोसा कि उनको लगा अरे ये तो बहुत ही उत्तम उत्तम चीज मिल रही है सामने, बहुत ही उत्तम। तो अब वो जो है उत्तम चीज को देखने के लिए अब आपको देखना पड़ेगा ये सोने की थाली जो उनको परोसी गई थी, उस सोने की थाली को आप देखिए। ऐसी सोने की थाली आई है जो उनके साथ पूरा खाना लगा ना, तो ब्राह्मणों को भी लगा अरे ये तो बहुत ही बढ़िया जो है खाना आया है, वो बिल्कुल दंग रह गए ब्राह्मण इसको देख करके, और बिल्कुल उनके हृदय में ना ये आया कि मुझे कैसे जो है खाओ खाओ खाओ। आप जानते हैं ब्राह्मणों का पेट भी कैसा होता है, ब्राह्मणों का पेट ऐसा होता है जिसने भगवान ने एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा जगह दे रखी होती है, तो जब खाते हैं तो ब्राह्मणों के पेट में जो है
बिल्कुल भर गया आकर के, और वो खाते जा रहे और अंत में जो है सब ब्राह्मणों ने बोला कि सुनो देवी, एक अभी घर में फोन किया, भाई सुनो सुनो आ जाओ यहाँ पे, और सुनो पुरानी साड़ी गंदी साड़ी पहनकर आना, आज बहुत कुछ माल मिल रहा है। कहते चलो, उनकी पत्नियां भी घर पहुंच गई, ब्राह्मणों की पत्नियां बच्चे पहुंच गए, सबको ले खाना पे खाना आ रहा है खाना। अरे लोग ये प्रसाद के बात का प्रचार हो गया, अरे आज तो बड़ा वहां प्रसाद खाना मिल रहा है, ब्राह्मणों को बड़ा वैल्यू हो रहा है, सब बैठ गए वहां पर। अब जो है जब वहां बैठे तो जो है तो भगवान ने कहा सुनो देवी एक काम करो, तुम देखो पुराना वो जो बक्सा है ना, उस बक्से में जो है पूरा बढ़िया साड़ियां रखी, बनारसी साड़ी बनारस की साड़ियां रखी हैं, वो लेके आ जाओ जरा, और जिसमें सोने के तार लगे हैं। अब तो इनका बिल्कुल आज तक मेरे पास फटी धोती है और ये सोने के तार वाली ब्राह्मण को बात नहीं करी, कई बक्सा खोला देखा उसमें सोने के तार की साड़ियां, और वो ब्राह्मण को बात। और भगवान ने के जब अंत हुआ, जब खाना प्रसादम हो गया, तो कहते हैं जाओ आज जिसके पास जो थाली है जो चौकी, वो सारे ब्राह्मण अपने अपने घर में ले जा सकते हैं। अरे ब्राह्मण तो खुश हो गए, छा गए, गुरु हो गया। और जब निकले ब्राह्मण बाहर तो अपनी चप्पल नहीं ढूंढ पा रहे, क्यों? क्योंकि उनका पेट इतना आगे आ गया। तो अपने बेटे से कहते बच्चा अरे सुनो मोनू सोनू जरा मेरा जरा जरा चप्पल ढूंढ दो। तो कहता पापा मैं भी आपकी चोटी देख के आ रहा हूं सामने, चप्पल तो मैं भी कहाँ से देखूं, मैं भी तो ब्राह्मण पुत्र ही हूँ। तो इस तरह से जब सब चले गए तो इधर अब इनको देखा सारा काम हो गया, और उधर क्या चल रहा है, हरे कृष्णा नरसिंह मेहता अभी भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, वहां बैठे बैठे कीर्तन भजन कर रहे हैं। अब यहां से कहते समय हो गया, चलिए देवी मैं चलता हूँ, थोड़ा नहा करके आता हूँ। ये कहने के बाद में भगवान निकल के अपनी पार्टी लेकर के सब और जो है गए, और उधर से फिर नरसिंह ने देखा अपना समय, अरे शाम को 7 बज गया, इतना बज गया, अब तो लगता है बहुत पिटाई होगी। डब्बा लेकर घर में गए, 2 2 किलो का घी लेकर के, देवी मैं आ गया। कहते देवी कहती है सबको पूरा घी भर भर के पिलाया है, अभी इतना 2 लीटर घर में रखने के लिए लेके आए हो क्या, रखो अभी जो है मतलब क्या क्या कमाल कर, ये जरा ये बताओ तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कहते क्या छुपे रुस्तम, देवी मुझे क्षमा करो मैं देर से आया। कि देर से आया अभी कौन आया था, फिर भूल पागल आ गए हो क्या, पूजा करते करते पागल हो गए हो। इसका मतलब मैं नहीं था, इसका मतलब भगवान थे, मेरे लिए भगवान आए थे। कहाँ गए वो, कहे वो तो चले गए, गए कह के गए नहा के आएंगे। कहते देवी वो भगवान आकर के वो हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था करके गए। अरे भगवान के नाम पे लग जाइए, भगवान आपके काम पे लग जाते हैं। भगवान के नाम पे लगना है बस, काम तो भगवान हमारा सारा कर देते हैं। जिनको गलत फहमी है, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं भगवान का नाम लूंगा तो मेरे पास समय नहीं बचेगा, अरे अर्जुन किस बात से डर रहा था, किस बात से अर्जुन डर रहा था, इसी बात से तो डर रहा था ना कि अगर हे कृष्ण शंकरो नरे कायैव कुलघ्नानां कुलस्य चा पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, यही तो कह रहा था। अरे अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है, ऐसे पतित कुलों के पुरखे नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। आज तो हर घर में ऐसा है, कौन है जो जो सोचता है कि हाँ मुझे पिंड दान अच्छे से करना है। अभी समय क्या हो रहा है पता, चलिए मैं आपको बताता हूं इस समय क्या होता है। इस समय भगवान क्या करते हैं, 15 दिनों के लिए पूर्वजों के दरवाजे खोल देते हैं, पितृपक्ष के पितरों के। तो होता क्या, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जब वो शरीर छोड़ता है तो अगर भक्त है तो गोलोक धाम जाता है, थोड़ा सा कम भक्ति किया तो स्वर्ग लोक तक चला जाता है, और उसने कुछ नरक काम किया तो नरक में चला जाता है, गंदे काम किया है, और अगर उसका डिसीजन नहीं ले पाते ना तो पितर पितर लोक में चला जाता है। अगर पितर लोक में चला जाता है जब वो, तो पितर लोक में जाकर के क्या होता है, पितर लोक पहुंच गया तो वहां पे वो क्या होता है, उसके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती, हर जगह बाकी व्यवस्था है, वहां व्यवस्था नहीं है। वहां कहा जाता है जो ये 15 दिन है ना, इन 15 दिनों में जो भी तुमको खाना प्राप्त होगा वही खाना तुमको जो है साल भर चलेगा। कहते पितर लोग ठीक है। अब जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया नहीं, जिन्होंने बच्चों को बोला अरे बेटा दिस इज योर लाइफ एंड एंजॉय योर लाइफ, तुमको अपना जिंदगी एंजॉय करना है, जिसने अपने बच्चों को इस तरह से डाल रखा है, अरे उनके बच्चे क्या करते हैं, उनके बच्चे कहते हैं ठीक है पिताजी हम एंजॉय करेंगे, जब आप चले जाओगे तो भी हम एंजॉय ही करेंगे। और जब पिताजी चले जाते फंस जाते हैं वहां जाकर के पितृलोक में,
तो बच्चे यहाँ एंजॉय करते हैं, इधर पितृपक्ष चलता है, बच्चे नॉनवेज तोड़ रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, पत्नी को लेके घूम रहे हैं, फैल रहे हैं, और उधर बाकी लोग जिन्होंने संस्कार डाले अपने बच्चों में, जिन्होंने सिखाया, उनके बच्चे तो यहाँ पिंडदान क्रिया कर रहे हैं, यहाँ पर जो है श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं, और वहां पे बढ़िया वो लोग जो पितृ उनके पितृ हैं वो खा रहे हैं, और इधर ये पितृ क्या है, भूखा बैठा है। अपने बच्चों को बोला था ना कि एंजॉय करो, कर रहे एंजॉय, क्यों तकलीफ हो रही है? तो वहां से पितृ दोष लग जाता है, और वो जब पितृ दोष लगता है तो उस पितृ दोष के साथ क्या होता है, व्यक्ति जो है और नीचे गिरने लगता है, उसके फिर बीमारियां लगने लगती हैं। पितृ लोग उस वक्त जब तक घर में होते हैं, आप कोई गलती कर दो तो माफ कर देते हैं, वहां पर है फिर आपने गलती करी तो माफी नहीं मिलती, सजा मिलती है उसकी, क्योंकि सबको देखते हैं, सब लोग खा रहे हैं, और मेरे खाने में थाली में तो कुछ भी नहीं आया, साल भर यही खाना जो आप 15 दिन खिलाते हैं वही साल भर चलता है, 6 अक्टूबर तक चलेगा, कल से स्टार्ट हो गया है, ध्यान रखिएगा 6 अक्टूबर तक कोशिश करिए कि घर में कुछ भी नॉनवेज ना आए, दारू ना आए, सिगरेट ना आए, मांसाहार और मद्यपान व्यभिचार ये सब बंद कर दीजिए। क्या लेन करना है, घर में प्याज लहसुन भी नहीं आना चाहिए इन 15 दिन, क्यों? क्योंकि जब आप गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि ये बताइए जब यहां पर वो भोग लगाते हैं तो वो आपके पास बदलो तो पितरों के पास तक कैसे पहुंचता है? तो भगवान ने बोला कलयुग में कुछ लोग वाईफाई और बैंक ट्रांसफर ऑनलाइन करेंगे, जैसे वो कलयुग में ऑनलाइन ट्रांसफर यहां इंडिया बैठ के करेंगे अमेरिका में ट्रांसफर होगा वो जो, और व्हाट्सएप में यहां मैसेज करेंगे अमेरिका जाता ना, तो बीच में एक नेटवर्क होता, वो नेटवर्क मैं हूं, पितरों के लिए जो खाना जाता है कैसे, यहां से आपने जो लगाया तो और वो लगा करके आपने ब्राह्मणों को खिलाया, और वो जो आप पितरों के लिए रखा, जो पितरों के लिए रखते हैं वो जो है वायुदेव लेकर के भगवान को देते हैं, और भगवान वो सूर्यदेव को देते हैं, और उसके बाद पितर जाते हैं, तो आप कहेंगे तो डायरेक्टली पितरों को क्यों नहीं मिलता, भगवान वेरीफाई करते हैं कि आपने खाना क्या लगाया, कहीं उसने प्याज लहसुन तो नहीं डाल दिया, क्योंकि भगवान कहते हैं हमारे धाम में तो प्याज लहसुन नहीं चलता भैया, हमारे धाम में ना नॉनवेज चिकन मटन नहीं चलता, भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम हमारे धाम में चलता है, चिकनम मटनम अंडन हमारे धाम में नहीं चलता, ये चढ़ाओगे तो हम नहीं लेने वाले, ना आगे फॉरवर्ड करेंगे, वही से रिवर्स कर देंगे, तो अगर आपने बैंक अकाउंट गलत डाल दिया तो पैसा बैंक अकाउंट में नहीं जाने वाला, रिजेक्शन हो जाएगा। तो क्या होता है, भगवान क्या करते हैं उसको आगे भेजते हैं, और भेज करके किसके पास पहुंचाते हैं, फिर पितरों के पास पहुंचता है, और पितर उसको प्राप्त करते हैं, ऐसे ट्रांसफर होता है जब गरुण जी ने पूछा तो भगवान ने बताया। उसके पश्चात जो है जब भगवान क्या बोलते हैं इसे, एक और भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बोला है कि इनको अर्जुन को कहते हैं, इस विषय को देखिए कि कई लोग होते हैं जो ब्राह्मण को बुलाते हैं और किचन से पका सीधे खिला देते हैं, अरे सीधे किचन से पका हुआ अगर आपने खिला दिया तो ब्राह्मण के साथ एक तो आपने अपराध कर दिया, ऊपर से भक्त अगर वैष्णव को बुलाया तो वैष्णव के साथ अपराध कर दिया, क्यों? देखिए यज्ञ शिष्ट शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचन्त्यात्म कारणात्। भगवान कहते हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, क्यों? क्योंकि वो केवल प्रसाद बना के ही खाते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, लेकिन जो अन्य लोग अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चय रूप से पाप खाते हैं। अब आप सोचिए कि आपने क्या किया, भगवान को बिना भोग लगाए ब्राह्मण को बुला के खिला दिया, बिना भगवान को भोग लगाए आपने जो है किसी को भी खिला दिया, तो क्या होगा, वो पाप खिला दिया आपने, और वो पाप तो नहीं खा सकते, ब्राह्मण पाप नहीं खा सकता, इसलिए भगवान को भोग लगा के खिलाइए। क्या करना है जो आज हम यही कथा है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, 15 दिन कम से कम जो वैष्णव खिला सके खिलाइए, भगवान 2-3 मुखों से खाते हैं, ब्राह्मण वैष्णव गाय है ना, तो गौ ब्राह्मण हिताय चा, तो गौ ब्राह्मण इन सब के मुख से खाते हैं, आप उनको भोग लगाए खिलाइए, है ना, ऐसे करेंगे तब क्या होगा, भगवान आपके जो आप श्रद्धा में श्रद्धा के साथ श्राद्ध में चढ़ाएंगे, भगवान वो पितृलोक भेजेंगे, और पितरों द्वारा आपको जो आशीर्वाद मिलेगा वो आपके आपके बच्चों को आपके परिवार को ऊपर उठाएगा, और फिर अगर आपने प्रसाद चढ़ाया पितरों को खिलाया तो वो अपने लोग से ऊपर उठ जाते हैं, अरे छोटा फंसा हुआ था डिसीजन मिल गया, इसने अपने बच्चे को भक्त बनाया है, अरे हमें पता नहीं था इसलिए हमने पितृलोक में डाला, इसको सीधे डाल दो, गोलोक भेज दो, स्वर्ग लोग भेजो, ऊपर भेजते चले जाओ, तो एक पुत्र का पुत्र वही है जो पिता को पु नामक नर्क से तार दे, वो पुत्र है, नहीं तो सभी क्या है, कुपुत है, कुपुत्र है,
तो भगवान को क्या करना है, भगवान के भोग लगाकर खिलाते हैं तो वहां पर हमारे पितर क्या होते हैं, वो और ऊपर उठते चले जाते हैं, है ना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, अरे जिनके तुष्ट होने से भगवान तुष्ट हो गए तो पूरा जग तुष्ट हो जाता है, पितर तुष्ट हो जाते हैं, वो ऊपर के लोकों में भगवान उनको लेके चले जाते हैं। आपने सुना है ना, आप सुनिए कि और क्या करना चाहिए इन 15 दिनों में। भागवत जरूर सुनिए, जो नहीं सुन रहे हैं वो जरूर सुने, 100% सुने, क्योंकि अगर आपने भागवत को नहीं सुना, क्यों, तो आपको याद है ना गोकर्ण की कथा। गोकर्ण को जब गोकर्ण और जो है गोकर्ण है उनके भाई हैं दुंधकारी, तो गोकर्ण जो है जब दुंधकारी की डेथ हो गई तो गोकर्ण गए, गया गए वापस आए तो देखा दुंधकारी अभी भी अटका पड़ा यही शरीर में, भूत शरीर में। क्या हुआ, उनको जब पता लगा ऋषि मुनियों से आपस से बात करी तो पता चला कि अरे इसने सब कुछ किया लेकिन भागवत कथा नहीं सुनी थी इसलिए अटक के रह गया, इसको भागवत कथा सुनाइए। और जब गोकर्ण ने एक भागवत कथा का अरेंजमेंट किया तो पूरी भागवत कथा का अरेंजमेंट के बाद वो तर करके चले गए। तो कहते हैं निधि माता जी पूछ रही, प्रभु जी एक क्वेश्चन है, अगर इंसान को जन्म मिल जाता है तो पितृ कहां रह जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। देखिए अगर जैसे वो पितर नहीं है, वो पितर लोक में नहीं है लेकिन वो आपके पूर्वज ही हैं, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो धरती में चिड़िया बन के आए हो, कबूतर बन के आए हो, चाहे वो इंसान बन के आए हो, अगर आप इस समय भोग लगाएंगे तो उनको वो, अगर चिड़िया होगी तो उसको दाना मिल जाएगा, गरीब होगा तो उसको पैसा मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, अमीर के घर में होंगे तो उनको एंजॉयमेंट आनंद मिल जाएगा, अगर वो स्वर्ग लोक में होंगे तो और भोग मिल जाएगा, ऐसा होता है माता जी। अगर आपने यहां उनको प्रसाद खिला दिया तो ऑटोमेटिकली किसी भी घर में होंगे तो अचानक ओमकारेश्वर दास की कथा में आ जाएंगे और कथा सुनने लगेंगे, भागवत कथा में आने के लिए वो प्रेरित हो जाएंगे, उनको कोई दोस्त बोल देगा जाके कथा सुनना शुरू करो, क्योंकि उनको रास्ते मिलने लगते हैं अगर आपने यहां से प्रसाद चढ़ा दिया तो किसी भी जरूरी के पितृलोक में हो तो ही मिलेगा, कहीं भी है किसी रूप में उनको वहां प्राप्त होता है। इस तरह से जब गोकर्ण ने कथा करी तो वो दुंधकारी मुक्त हुए, और मुक्त होकर के तो आप लोग क्या करना चाहिए, नियमित भागवतम 8:30-9:30 केवल आधे घंटे की भागवतम चलती है, उस भागवतम को आप सुनने जरूर आइए। जब वो भागवतम सुनेंगे तो ये नित्य भागवत सुनेंगे, नित्यम भागवत सेवा करेंगे तो आपका ये जो 15 दिन है बहुत अच्छे कटने वाले हैं। चिंता मत करिए, प्रचार प्रसार करिए कि भागवतम हो रही, इन कथाएं हो रही, इनको सुनते रहो, लगातार सुनते रहो, है ना। तो आज के लिए हमने आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे उन सबको हमने निकाल के आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आपको कथा पसंद आई होगी। इन कथाओं को जो है अपने हृदय से बैठा के रखिए, क्योंकि जो है ये जो कथाएं हैं ना ये आपको बताती है कि इन 15 दिनों में हमें सबसे मुख्य क्या करना है। और जिसको जानना है कि आत्मा शरीर के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तो मैंने 9 दिन की कथा करी थी, बहुत अच्छी कथा हुई थी, वो सबने बहुत अच्छे से सुना था उसको। वो कथा जो है जो गरुड़ पुराण की कथा करी थी हमने, आप उसको सुन लीजिए, यूट्यूब में है गौ गोविंद सेवा चैनल डालेंगे तो जो आपको मिल जाएगा, और उसमें जाकर सुनिए कथा, आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है। तो आपको वो पूरा पता चलेगा, इस बीच में वो भी सुन लीजिए, ये सुनेंगे सब आपको लिंक कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत एंजॉय किया होगा। चलिए लेते हैं अल्पविराम, मिलेंगे कल अपनी भागवत कथा के साथ। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। चलिए मिलते हैं फिर से, हरि बोल।